मैं आज इस 193 की चर्चा से पहले राज्यसभा में जो हंगामा हुआ उसके बारे में कहना चाहता हूं कि आज जो चर्चा हुआ जो हंगामा हुआ तो मैं दूसरे सदन की बात नहीं कर चलिए साहब मैं ओके आप यही की बात कीजिए हो गया। मैंने कह दिया पहले ही कह दिया जी उठाता यहाँ पे हाँ जी हाँ नहीं नहीं सुन मैं राज्यसभा की बात यहाँ पे नहीं उठा रहा हूँ लेकिन जो लोग आज चौधरी चरण सिंह जी को जो मैंने 4 दिन 5 दिन पहले मांग की थी कि उनको भारत रत्न दिया जाए और उनके साथ बाबा महेंद्र सिंह टिकैत राजेश पायलट जी जो इन कांग्रेसियों के ही नेता थे हमारे भी नेता थे और विजय सिंह पथिक जी और मान्यवर काशीराम जी को भी भारत रत्न दिया जाए तो उनमें कम से कम शुरुआत हुई। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, मुझे उम्मीद है आगे जो दूसरे लोग थे उनको भी दिया जाएगा। मैं सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और कांग्रेसियों से कहता हूं इनकी खिलाफत मत करो। तुम्हें किसी इंडिविजुअल मेरी या किसी और की खिलाफत करनी है करो, चौधरी चरण सिंह जी की खिलाफत करोगे तो तुम 80% देश के किसान और 56% देश के पिछड़े लोगों की जिनमें जाट सब कर रहा हूं जिनमें जाट गुजर यादव पाल सैनी कश्यप सुनार लोहार वो तमाम पिछड़ी जाती हैं उन सब की खिलाफत करोगे तो तुम्हारी स्थिति राजस्थान या मध्य प्रदेश जैसी हो जाएगी। आज के विषय पे मैं कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान जो बाबा अम्बेडकर साहब ने लिखा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो मंदिर बना, अभी मैं देख रहा था हमारे साथी कुछ चर्चा कर रहे थे कि मंदिर किसने तुड़वाया, मस्जिद किसने तुड़वाई, भाई इसकी भी चर्चा कर लो। वो मंदिर किसने बनवाया, 1976 में जब सर्वे हो रहा था तो मोहम्मद के अहमद की रिपोर्ट थी कि ये जो मस्जिद का ढांचा है उसके नीचे मंदिर के अवशेष मिले और उनकी रिपोर्ट ये भी थी कि वो गुजर प्रतिहाराज ने बनवाया था, तो उसकी भी चर्चा हो। और इसके लिए हम पूरे देश के जो खुशी का लहर दौड़ी, पूरे देश में जो ये महोत्सव मनाया गया ये बहुत खुशी की बात थी। और मैं अपने साथियों से जो विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हैं कहना चाहता हूं, अरे कम से कम इस बात का तो विरोध मत करो। अगर इस बात का विरोध करते हो तो जब देश में विधानसभाओं में चुनाव होते हैं फिर क्यों मंदिरों में जाते हो, क्यों जनेऊ पहनते हैं। हम एक बात के और भी पक्षधर हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो वहां पे साथ में मस्जिद भी बन रही है तो कल को मस्जिद भी बनेगी वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। और एक बात कह के मैं अपनी बात को समापन की तरफ लेकर के जा रहा हूं कि पूरे देश के जो आज हालात हैं और पूरे देश के जो पिछड़े हैं, अगर देश को मजबूत करना है तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसको मजबूत होना बहुत जरूरी है। हम सब जब ही मजबूत रह सकते हैं और बगैर मतलब की अगर बातों का विरोध करोगे, 1913 में जब ये लेजिस्लेचर सिस्टम शुरू हुआ कलकत्ता में वो देश एक और था, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ वो एक देश और है, 1952 से जो शुरुआत हुई वो एक देश और था और आज 2024 का देश और है। नौजवान सब देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स जाति सबसे ऊपर उठ के सोचोगे और सरकार की कहां कहां कमी है, जिस तरह हम निकालते हैं उस तरह निकालोगे तो वोट मिलेंगी। अभी मैं देख रहा हूं हमारे 52 साथी में ये 4 या 5 कांग्रेसी बैठे हैं, यहां सीटें खाली पड़ी रहती हैं, जब हम टकर रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं, तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं जहां देश की बात हो, जहां देश की जनता की बात हो, जहां हम राजेश पायलट जिनकी पार्टी गए थे आज उनकी जन्मदिन है, बस खत्म कर रहा हूं सब, एक मिनट खत्म कर रहा हूं, आज राजेश पायलट जी का जन्मदिन है, उनसे सीखो। वो सरकार में मंत्री रहते हुए भी देश के लिए देश की जनता के लिए टकरते थे, बगैर मतलब विरोध मत करो नहीं तो 2024 में झेलना पड़ जाएगा आपको। श्री हंसराज हंस जी।